इस वीडियो में आपको मैं 15,000 से कम प्राइस में आने वाले उन स्मार्टफोन्स के बारे में बताऊंगा जिनमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। देखिए 15,000 से कम प्राइस में ज्यादातर क्या होता है कि आपको IPS LCD डिस्प्ले ऑफर की जाती है, क्योंकि इस डिस्प्ले के साथ फोन की कॉस्ट जो है वो थोड़ी कम रहती है और ये डिस्प्ले कंपनी के बजट में भी आती है। अगर आप IPS LCD डिस्प्ले को एमोलेड डिस्प्ले के साथ कंपेयर करेंगे तो जो एमोलेड डिस्प्ले है उसमें आपको ज्यादा अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। लेकिन 15,000 से कम प्राइस में बहुत कम ऐसे स्मार्टफोन हैं जिनमें आपको एमोलेड डिस्प्ले ऑफर की जाती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 5 बेस्ट स्मार्टफोन बताऊंगा जिनका प्राइस 15,000 से कम है और इनमें आपको मिलती है सुपर एमोलेड डिस्प्ले। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। वीडियो का पहला फोन है Realme 10। आज की डेट में आप इस फोन को केवल 11,999 रुपए में बाय कर सकते हैं और इस प्राइस में सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके साथ आपको 6.4 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की आपको प्रोटेक्शन मिलती है। डिस्प्ले का टच रिस्पॉन्स काफी अच्छा है और ब्राइटनेस भी इसमें आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। स्क्रॉलिंग, वीडियो देखने और सर्फिंग के लिए इसकी डिस्प्ले एकदम परफेक्ट है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको MediaTek Helio G99 चिपसेट देखने को मिलता है। बात करें कैमरे की तो फोन के रियर में आपको दो कैमरे मिलते हैं, जहां पर जो प्राइमरी लेंस है वो 50 मेगापिक्सल का है और साथ में 2 मेगापिक्सल का आपको दूसरा लेंस मिलता है। बात सेल्फी कैमरे की करें तो सेल्फी के लिए इसके फ्रंट में जो आपको कैमरा मिलता है वो 16 मेगापिक्सल का है। बैटरी इसमें आपको 5000 mAh की मिलती है, साथ में 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, प्राइस इसका 11,999 रुपए है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आने वाला अगला स्मार्टफोन है Xiaomi Redmi Note 11 SE। इस फोन का प्राइस Realme 10 से कम है, लेकिन स्पेसिफिकेशन आपको दोनों में एक जैसी ही देखने को मिलती हैं। बात करें इसकी डिस्प्ले की तो इसमें आपको 6.43 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है। इसमें आपको MediaTek Helio G95 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है। कैमरे की बात करें तो Redmi Note 11 SE में आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जहां पर जो प्राइमरी लेंस है वो 64 मेगापिक्सल का है। इसके साथ में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है, 2 मेगापिक्सल का तीसरा सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का ही इसमें आपको चौथा सेंसर देखने को मिलता है। बात करें सेल्फी कैमरे की तो इसके फ्रंट में आपको जो सेल्फी के लिए कैमरा मिलता है वो 13 मेगापिक्सल का है। बैटरी इसमें आपको 5000 mAh की मिलती है, जिसके साथ 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। प्राइस इस स्मार्टफोन का 11,499 रुपए है, यानी कि Realme 10 से 500 रुपए कम खर्च करके आप इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। अब बारी है सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आने वाले अगले फोन की, जो कि है Samsung Galaxy F22। प्राइस इस फोन का Xiaomi Redmi Note 11 SE के बराबर है। इसमें आपको 6.4 इंच की HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है और स्क्रीन रेजोल्यूशन 1600x720 पिक्सल है। इस फोन में आपको MediaTek Helio G80 प्रोसेसर मिलता है। बैटरी इस फोन में 6000 mAh की है, जिसके साथ 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। बात करें कैमरे की तो इस फोन में सेल्फी के लिए आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और इसके रियर कैमरे की बात करें तो रियर में क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जहां पर जो प्राइमरी लेंस है वो 48 मेगापिक्सल का है। साथ में 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है और 2 मेगापिक्सल का ही मैक्रो सेंसर है। बात करें प्राइस की तो प्राइस इस स्मार्टफोन का 11,499 रुपए है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आने वाला जो अगला स्मार्टफोन है वो है Samsung Galaxy M32 Prime Edition। अब तक मैंने वीडियो में जो फोन आपको बताए हैं उन सभी के मुकाबले इस फोन का प्राइस सबसे ज्यादा है, लेकिन स्पेसिफिकेशन भी इसमें आपको उतनी ही शानदार देखने को मिलती है। इसमें आपको 6.4 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जो कि इन्फिनिटी यू नॉच डिस्प्ले है। डिस्प्ले के साथ आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और साथ में 800 निट्स की ब्राइटनेस है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है। फोन में आपको MediaTek Helio G80 प्रोसेसर के साथ 6GB तक रैम और 128GB तक स्टोरेज मिलती है। स्टोरेज को आप मेमोरी कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ा भी सकते हैं। इसमें 4 रियर कैमरे हैं, जहां पर जो प्राइमरी लेंस है वो 64 मेगापिक्सल का है। साथ में दूसरा लेंस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और 2 मेगापिक्सल के 2 और सेंसर मिलते हैं, जिसमें से एक मैक्रो है, दूसरा डेप्थ है। सेल्फी के लिए इसके फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। बात करें इसकी बैटरी की तो बैटरी इस स्मार्टफोन में आपको 6000 mAh की मिलती है, जिसके साथ 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। इसके प्राइस की बात करें तो आज की डेट में इस स्मार्टफोन का प्राइस लगभग 13,000 रुपए है। अब बारी है वीडियो के लास्ट फोन की, जो की है Poco M4 Pro।
इसमें भी आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और इसका प्राइस 13,275 रुपए है। बात करें इसकी डिस्प्ले की तो पोको M4 Pro में आपको 6.43 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जिसके साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। कैमरे की बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है जिसका प्राइमरी लेंस 64 मेगापिक्सल का है, साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है। सेल्फी के लिए इसके फ्रंट में जो आपको कैमरा मिलता है वो 16 मेगापिक्सल का है। इसकी बैटरी की बात करें तो बैटरी आपको इस फोन में जो मिलती है वो 5000 mAh की है और साथ में 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। तो ये वो 5 बेस्ट स्मार्टफोन हैं जिनमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है और इन सभी का प्राइस 15,000 से कम है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए।